याचिका पेपर देकर के आए हैं जी, एमटीएस डिस्क्रिप्टिव का। एमटीएस का डिस्क्रिप्टिव का, डिस्क्रिप्टिव का पेपर जैसे पीटी में आपका कितना नंबर था आपका? मेरा 91.25। 91.25 और 91.25 कैटेगरी कौन सा है? UREWS। तो अभी जो डिस्क्रिप्टिव दिए हैं, डिस्क्रिप्टिव आप हिंदी मीडियम दिए कि इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम में जैसे लेटर भी है और एस्से भी है, तो उसमें लेटर लिखे थे। अगले बार भी हम दिए थे तो उसमें मेरा 32 नंबर था, वो भी है ना जी। और इस बार भी आशा करते हैं कि अच्छा नंबर आएगा। अच्छा नंबर आए तो आप लेटर लिखे ना जी? जी लेटर लिखे, तो कितने शब्दों में लिखे हैं आप? लगभग 150 से 160 से 170 शब्दों में लिखे हैं। 160 से 170 शब्दों में लिखे हैं जी, तो उतना विस्तार कर दिया, उतना ज़्यादा शब्दों में लिखना है जी? 150 से ज़्यादा लिखना है, 180 तक, 150 प्लस है। तो उम्मीद है इस बार हो जाएगा ना? कोई हाँ उम्मीद, होप है, आशा है। मम्मी पापा आशा लगाए हुए हैं ना? और भी कई जगहों पर जब इस बार एमटीएस में हो जाएगा हमारा, और भी कई जगहों पर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। एनटीपीसी में भी हमारा 90 नंबर लेवल 3 में, एनटीपीसी में भी रिजल्ट है जी, जी। इसके साथ साथ और भी कोई चीज़ में है जी? और क्या ग्रुप डी में भी है? CHSL में 159 नंबर है, ग्रुप डी में भी 80 नंबर है। तो इसको हो जाएगा तो छोड़ दीजिएगा या कर लीजिएगा इसको? हाँ, इससे अच्छा नौकरी अगर मिल जाएगा, जैसे एनटीपीसी 1900 ग्रेड पे है, अच्छा ग्रेड पे आएगा तो इसको निश्चित रूप से छोड़ देंगे। याची का पेपर देकर क्या है? एमटीएस टीयर 2 का था। एमटीएस का याची का पेपर देकर क्या है? एमटीएस टीयर 2 का था। एमटीएस टीयर 2 का, तो आप पीटी में आपका कितना नंबर आ रहा था? 94 नंबर है। 94 नंबर, कैटेगरी कौन सा है आपका? ओबीसी। ओबीसी में है, ओबीसी में है, तो उसके साथ साथ जैसे आप पेपर देकर क्या है, तब इसमें तो कितने भाषा में लिखना पड़ता है? एक भाषा में लिखना है। ऑप्शन कितना रहता है? ऑप्शन तो एड शेड्यूल में जितना है सब भाषा का, 22 भाषा रहता है। भारत में 22 भाषा लागू है, तो 22 भाषा में, इसमें आप कौन सा भाषा में लिख करके आए? हिंदी में लिख के। हिंदी में, हिंदी ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ अपना हिंदी में क्या पर लिखे हैं, लेटर लिखे हैं या ऐसे लिखे हैं? लेटर लिखे हैं। लेटर, लेटर क्या चीज़ के बारे में लिखे हैं? दिल्ली में यातायात का व्यवस्था जो खराब है, यातायात की व्यवस्था मुख्यमंत्री पर लिखा है। मुख्यमंत्री पर लिखा। और क्या क्या चीज़ के बारे में पूछा गया था? और था जैसे अपने मित्र को लिखना है खराब संगति के कारण, एक था कि अपना स्कूल में कप्तान बन गया तो उसकी बधाई देना है दूसरे को, यही सब था। और जैसे यदि वो तो हो गया, इसमें ऐसे लिखना था, उसमें कुछ था ऐसे में? हाँ था। क्या था? एक था क्या, बालक शरम वाला था, चाइल्ड लेबर, उसके बाद हमारा हमारा सपनों का भारत, स्वामी विवेकानंद, यही सब। भाई को गलत संगतियों से बचाने के लिए पत्र लिखना। और भी कुछ था? हाँ एक दो और था पर ध्यान नहीं दिया। तो और डिस्क्रिप्टिव में जो न्यू विद्यार्थी जैसे जो एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे वो पढ़ाई करें? डिस्क्रिप्टिव के ज़्यादा टेंशन तो नहीं लेना, बस हल्का फुल्का लेटर के बारे में फॉर्मेटिंग जानना। नहीं, स्टार्टिंग में जो न्यू स्टूडेंट है उनको नहीं, प्री पे फोकस करना, इसके लिए नहीं बस। प्री के लिए कैसे तैयारी करते थे आप, ऑनलाइन या ऑफलाइन? नहीं हम तो ऑफलाइन किए थे। ऑफलाइन, ऑफलाइन कहाँ पढ़ते थे आप? पढ़ते थे पैरामाउंट कोचिंग में पहले। पैरामाउंट कहाँ पे? नया टोला में। नया टोला बिकना बारी में? नहीं नया टोला में पहले, तो मछुआ टोली में। मछुआ टोली में पहले? चलिए ठीक है, थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट। थैंक यू, थैंक यू। आप पेपर देकर क्या हैं? आप पेपर देकर क्या हैं? हाँ यस सर, पेपर। क्या चीज़ का पेपर है ये? डिस्क्रिप्टिव का। डिस्क्रिप्टिव, तो एमटीएस का पेपर जो फर्स्ट गया है आपका, क्वालिफाई क्यों होंगे, उसमें कितना नंबर आ रहा है? 89 नंबर। 89 नंबर, कैटेगरी कौन सा है आपका? EWS। EWS में। तो अभी आप जो डिस्क्रिप्टिव दिए हैं, हिंदी मीडियम दिए हैं, इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम दिए। हिंदी मीडियम दिए, हिंदी मीडियम दिए हैं, तो हिंदी मीडियम में एसे लिखे हैं या लेटर लिखे हैं? लेटर लिखे। लेटर लिखे हैं। लेटर किसके पास लिखे हैं आप? लेटर था लिखना पुस्तकालय को, बुक लेट से लौटाने के कारण जो विलंब होता है उसके लिए, माफ़ी के लिए, शुल्क माफ़ी के लिए। और उसके बाद जैसे बच्चा बोले वाल मुख्यमंत्री के पास भी यातायात के लिए था, बहुत सारा अपने मित्र के पास भी लिखना था, पुस्तकालय के पास, लेकिन हमको ये अच्छा लगा, जिसमें लगा कि लिख सकते हैं बना के, इसलिए। कितने शब्दों में लिखे हैं आप? 160। 160, 150 ऐसे ढूंढता है लेकिन 160 ठीक है, 160 इतना चलता है। और जैसे एसे में क्या क्या लिखना था? ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था, दो तीन टॉपिक था लेकिन उतना ध्यान नहीं। पंचायती राज, मेरे सपनों का भारत, हाँ, बाल विकास, हाँ, और भी कुछ था? नहीं नहीं इतना ही था। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट हो। आप क्या चीज का पेपर देकर क्या है? SSC MTS डिस्क्रिप्टिव का। डिस्क्रिप्टिव का देकर क्या है? तो आपका पीटी में कितना नंबर आ रहा था? 88 नंबर। 88 नंबर, कैटेगरी कौन सा? ओबीसी। ओबीसी है, ओबीसी के तहत इसमें डिस्क्रिप्टिव में हिंदी लिखे हैं या इंग्लिश मीडियम? हिंदी लिखे हैं। हिंदी मीडियम में जी सर। हिंदी मीडियम में किसके बारे में लिखे हैं आप? हम लेटर लिखे हैं। लेटर, यस। किनके पास? मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री जी, केजरीवाल के पास लिख दिया है? कौन से मुख्यमंत्री, कहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में? दिल्ली का मुख्यमंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री? नई दिल्ली। नई दिल्ली, यस सर।
तो क्या लेटर लिखे तो उसमें सेटिस्फाई हैं आप? यस सर, 35 या 40 नंबर का लेटर था, 50 नंबर का लिखना था। ठीक है, कितने नंबर का आप लिखे हैं? हम 35 से 40 नंबर, हमको कॉन्फिडेंस है कि आ जाएगा। 35-40 नंबर आ जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। चले ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट। ओके, थैंक यू। बाजीराव क्लास से पटना। जैसे आप क्या चीज का पेपर देकर आए हैं? मैं वो डिस्क्रिप्टिव है एमटीएस का। ईटीपीएस में देकर आया है? हाँ। तो पीटी में आपका कितना नंबर आ रहा था? वो 87 पॉइंट कुछ है। 87 पॉइंट कुछ, 87 पॉइंट। कैटेगरी कौन सा है आपका? ओबीसी। ओबीसी, ओबीसी है तो आपका तो कंफर्म है। डिस्क्रिप्टिव कैसा गया आपका? अच्छा गया है। अच्छा गया है। डिस्क्रिप्टिव किसके बारे में लिखे हैं आप? वो सबसे लास्ट में था, वो क्या कहते हैं, एससे था, लेटर भी था। तो वो होता है ना पुस्तकालय अध्यक्ष, उसके पास विलंब शुल्क माफी के लिए। पुस्तक लाइब्रेरी के बारे में क्या लिख दिया, उसमें कुछ त्रुटि मिल रहा था क्या? त्रुटि क्या मिलेगा उसमें, विलंब पुस्तक लिया था मैं तो उसमें विलंब हो गया, तो उसी के शुल्क माफी के लिए फाइन, शुल्क माफी के लिए। अरे भाई हिंदी में लिखा हूँ ना, शुल्क माफी के लिए मैंने पत्र लिखा। और एसए के बारे में नहीं लिखे? एसए क्यों, अरे बहुत बड़ा होता है, 30 मिनट बहुत छोटा हो जाता है वहाँ। एसए में क्या क्या पूछा गया था, किस किस के बारे में? एसए तो पढ़ने का मौका, वैसे 5 गो रहता है, वो लिखा रहता है एसए 200 वर्ड में होता है, इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट प्रिफेयर करता है कि अप्लीकेशन, ये जो पत्र होता है वही लिखें। ठीक है, ठीक। SSC डिस्क्रिप्टिव पेपर टू, पेपर टू। हाँ, MTS का डिस्क्रिप्टिव। MTS का डिस्क्रिप्टिव में तो आपका PT में आपका कितना नंबर आ रहा था? PT में 86 पॉइंट समथिंग है। 86 पॉइंट समथिंग। आपका कैटेगरी कौन सा है आपका? OBC है। OBC है। आपका इसमें क्या चीज़ के बारे में लिखे हैं आप डिस्क्रिप्टिव? इसमें चीफ मिनिस्टर के पास लिखे हैं, दिल्ली चीफ मिनिस्टर के पास, ये यातायात ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुदृढ़ करने, यातायात के बारे में। हाँ। और क्या क्या था उसमें लिखने के लिए? और उसमें दोस्त के पास था एक, जो हमारा दोस्त क्रिकेट टीम का एक कैप्टन बना है, उसको बधाई देना था। एक अपने छोटे भाई को लिखना था, जिसमें कुसंगति को दूर करने के लिए, उसके पास कुसंगति से बचने के लिए लिखना था। एक और था जो कि दिल्ली में ही हमारा एक और दोस्त था, उसको बधाई पत्र लिखना था। और जिस एसए में क्या क्या लिखना था? एसए में हाँ हाँ, बाल मजदूरी था ये लेबर वाला, और उसमें ध्यान नहीं दिए, हालांकि हम चीफ मिनिस्टर के पास लिखे हैं, दिल्ली चीफ मिनिस्टर के पास। कितने शब्दों में लिखे हैं आप वहाँ पे? वो करीब 140-150 वर्ड्स। 140-150 वर्ड। हाँ या तो उम्मीद लगता है ना हो जाएगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपका हो जाता है। ओके, थैंक यू। MTS का डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया, पेपर दे करके तब बोतल में पानी पी रहे हैं, पानी प्यास लग गया। ये तो आधा घंटा का ही पेपर है, आधा घंटा जाइए, थोड़ा देर बात कर लेते हैं, हम दोनों आदमी मिल के पियेंगे इसमें। ठीक है, बोलिए। तो क्या पीटी में आपका कितना नंबर आ रहा था? पीटी में 86 है। 86। कैटेगरी कौन सा है आपका? कैटेगरी मेरा है एससी। एससी, एससी है, 86 है, तो आपका तो हो जाना चाहिए। और डिस्क्रिप्टिव में क्या चीज़ के बारे में लिखे, हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं? हिंदी में लिखे हैं। हिंदी में, हिंदी में किसके बारे में, एसए या लेटर के बारे में? ऐसे लिखे हैं चाइल्ड लेबर पे। चाइल्ड लेबर के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में लिखे, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आसान लग रहा था क्या? ना, आसान नहीं था। लिख और क्या क्या था उसमें चाइल्ड लेबर के साथ साथ, और क्या क्या था? और कुछ नहीं था, बस उस पर लिखना था 250 शब्द में। 250 शब्दों में, ठीक है, चलते हैं भैया। ठीक है, अभी पेपर दे करके आप आ रहे हैं जी? डिस्क्रिप्टिव का पेपर था आपका। पीटी में कितना नंबर आ रहा था? पीटी में नॉर्मलाइज नंबर है 92.5। 92.5 आ रहा है। तो अभी डिस्क्रिप्टिव ने पीटी में, पीटी हाँ। में 92.5 है, तो उसके साथ साथ जैसे आप कैटेगरी कौन सा? EWS। EWS, तो आप अभी डिस्क्रिप्टिव दिए हैं, इस डिस्क्रिप्टिव में किसके बारे में लिखे हैं आप? हम लिखे हैं एसए लेटर के बारे में। लेटर लिखे हैं? लेटर लिखे हैं। लेटर किन के पास लिखे हैं? लेटर पुस्तकालय अध्यक्ष। पुस्तकालय के बारे में? हाँ, पुस्तक। और क्या क्या चीज के बारे में उसमें दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या क्या था उसमें? मित्र के पास था, मतलब कुसंगति से बचने के लिए, और तो ध्यान नहीं आ रहा है। और एसए में क्या क्या था? एसए तो हम देखे भी नहीं। चलिए ठीक है, आप आ रहे हैं? हाँ, देखे आ रहे हैं। पेपर देकर के आ रहे थे, आपका पीटी में कितना नंबर आ रहा था? 98 नंबर है। 98 नंबर, 98 नंबर है। तो कैटेगरी कौन सा है आपका? ओबीसी है। ओबीसी है।